महानदी मा ना सावत मा ट्रिब्युनाल आड़े समय गोड़ाई चली राज्य सरकार वास्तव रूप नहीं पारुनी तळमुंडरे प्यारिस निर्माण प्रसंग ग्रीष्मरे भयंकर जलकष्ट आ वर्षारे बन्या विपात भोगुछि ओडिशा महानदी विवादर समाधान लागि उत्पत्ति स्थलरु सूत्र खोजिबे ट्रिब्युनाल टीम शनिवार शुणाणी बेले एपरी किछि निष्पत्ति नेइछन्ति ट्रिब्युनाल जेउथरे कुहाजाइछि जे महानदी अवबाहिका अञ्चलरे जल विवादर वास्तविक स्थिति अनुध्यान लागि ट्रिब्युनालर तीनि जणिया दल छत्तीसगढ़ और ओडिशा परिदर्शन करिबे आउ जानुअरी सातरे थिबा परवर्ती बैठक में गस्त कार्यक्रमर चूड़ांत तारीख निर्धारण होबो तेबे एने केन्द्र जलसंपद राष्ट्रमंत्री कहिछन्ति आपोस आलोचना माध्यम समाधान होइतिले एते दिन जाइ नथन्ता तथापि एथर महानदी मामलार समाधान होइजिबो बोली कहिछन्ति केन्द्र जलसंपद मंत्री आमर अंडरस्टैंडिंग भित्तिक काम होता आम जी उभय राज्य सबू जो जो राज्य सब असुविधा अच्छी जी परस्पर आम बसिक कथाई था जो राज्य असुविधा अच्छी डाउट अच्छे से बसी था ट्रिब्युनाल फ्रिब्युनाल के ना से जल संरक्षण और परिचालना नहीं राज्य सरकार को तत्परता उपर नजर पकातु तथ्य कौच महानदी तलमुंडे ब्यारेज निर्माण न कारण बर्षा दिने समुद्र को बोई जा 52% वर्षा जल यहाँ रोकवाई मास्टर प्लान सह सातटी बड़ ब्यारेज और 30टी स्थान में नदी मध्य जलाशय करने को 2017 घोषणा कर गोधनेश्वर देउंगा कपासीरा खैरमाल सुबालया मणिभद्रा मुंडली भली सातटी स्थान में ब्यारेज निर्माण करने को घोषणा होता या बाद नदी भितर जलाशय लगी 18टी छोट प्रकल्प 100 कोटी 9टी बृहत प्रकल्प लगी 100-500 कोटी एवं 2टी जुम्बो प्रकल्प 500 कोटी घोषणा कराइले भी गोटे भी प्रकल्प वास्तव रूप नहीं पारे एपरिक राज्यर एकमात्र बन्या नियंत्रण करुवा हीराकूद ड्यम्र भी 32 वर्ष होब रूल कर्वर संशोधन होनी आम कम कर आगे नौचे राज्य सरकार बाहर नाप जाए चीफ सेक्रेटरी केरिएसन सेक्रेटरी हेलिकप्टर ओह्लैक निर्देश दे देते कौट सुवर्णरेखा देदे तो कौटी कानपुर देदे तो आउ कौटी कम किसी करें मोर नेतृत्व में मोर इच्छा रे मोर चेष्टे जिते जाए कमटा को किसी आगे दूचे से राज्य सरकार से बाहर नापी आंगुल सब देखे दूसरी सरकार सबुदिन देखिए गोटे कि ना कि नूतन कार्यक्रम करलनीति जे दायित्व अच्छा जो मंत्री अच्छा निश्चित भाव यहाँ प्रति से दृष्टि से पदक्षेप नौ नजर पकात उपनिर्वाचन सरगरम या बरगढ़ जिले में सरकार को जलसेचन स्थिति पदमपुर पुजारीपल्ली ठारे जलसेचन प्रकल्प पर मुख्यमंत्री 2015 घोषणा करते भी वास्तव रूप नहीं पारे से ओम नदी में प्रस्तावित प्रकल्प सालेगिड़ी ठारे भी निर्वाचन को देखी चली तरबरिया काम राज्य समस्त ब्लॉक 35% जलसेचन कर लक्ष्य नहीं कम आरंभ कर सरकार एवं टार्गेट थी 2009 सुधा सबू ब्लॉक को 35% जलसेचन किंतु मो पछपटे आप जो चित्र देखुं ये हूँ पद्मपुर सालेगिड़ चित्र ये कम चली तरबरिया भाव कम हो जहाँ आम सूचना नौ ये मसे हे ये कम आरंभ हो मैंने कम करते कहते बर्षे लगे ये कम सारे ये जलसेचन प्रकल्प होशी जमी को पाँच जीवता सहित पीवा पानी व्यवस्था मध्य करा जिवो ए चित्र ही बयान करुछि जे सरकार आगुरु सोइथिले कि एबे इलेक्शन रो तातिकु देखि कि जागी छथि कि अन्य बडी तथ्य कहुछि पद्मपुर निर्वाचन मंडली रो पाइकमळ ब्लॉक रे 44476 हेक्टर चास जमिनु मात्र 21540 हेक्टर जमी को जलसेचित करि परिछन्ति सरकार सेपरी पद्मपुर 40850 हेक्टर मध्य 18926 हेक्टर और झारबंद 30864 हेक्टर 12553 हेक्टर जमी को ही जलसेचन हो पारी चाषी को जमी को पानी जीव कौट पा तो ना टैंक ना बिना टैंक पा कौट तो से जो गभीर नलकूप भी कर आज पर्यंत तार नलकूप खोल कौन प्रक्रिया देखनी आम किंतु 20,000 लेखा जमा तो नहीं गवर्नमेंट अकाउंट पैसा जमा है गवर्नमेंट ता इंटरेस्ट खाऊ चाषी को कौन सी बेनिफिट मिलू ना यार भितर मुंड पिछा मिलूता जलर परिमाण द्रुत गति में ह्रास पाइबारे लगी
तथ्य अनुयायी वर्तमान राज्य में वर्षक मुंड पिछा 3,369 घनमीटर जल मिलुवा बेले 2051 बेलू 2,118 घनमीटर को खसीज तेणु एभली स्थित राज्य सरकार को जल परिचालनार ख्यामख्याली नीति ओडिशावासी को विपद से पकाई पारे। पद्मपुर शांतिभूषण मिश्र और भुवनेश्वर कैमरा पर्सन प्रदीप दिव्यज्योति महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।